आज मैं बिग बास्केट फ्रेशो से ऑल मंगाई हूँ। बिग बास्केट में सारा ग्रोसरी कॉस्मेटिक सामान मिल जाते हैं, बट बिग बास्केट फ्रेशो में भी सारे फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स ये काफ़ी फ्रेश मिलते हैं। और कटे हुए फ्रूट्स या एस्प्रॉट चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएंगे। कटे हुए वेजिटेबल्स भी काफ़ी क्लीन रहते हैं, जिससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। मैं आपको ऑल दिखाती हूँ कितना क्लीन और कितना परफेक्ट शेप में कटा हुआ है, ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस ब्रांड का, मैं बिग बास्केट से ऑर्डर की थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। हेलो एवरीवन, मैं सुकृति और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। ओल को पहले बॉईल कर लेंगे। उसके लिए हम एक बर्तन में पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब कटे हुए ओल को डाल देंगे। ओल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था पानी से, उसके बाद मैं इसे बॉईल करूंगी। एक उबाल आने तक ओल को हम बॉईल करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, गैस को ऑफ करके ओल निकाल लेंगे। सभी ओल को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसे डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई को गैस पे रखेंगे। अब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो ओल को डाल देंगे। ओल को सावधानी से डालिएगा, नहीं तो तेल का छींटा पड़ेगा। अब ओल को डीप फ्राई कर लेंगे। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें सुनहरा गोल्डन कलर ना आ जाए। ओल में काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाही में एक चम्मच के करीब कुकिंग तेल डालेंगे। अब थोड़ा सा खड़ा मसाला ले लेंगे, जिसमें मैंने एक तेज पत्ता लिया है, एक इलायची, दो लवंग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा गोल मिर्च और आधा इंच के करीब दालचीनी। इन सबको तेल में डाल देंगे। एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने स्लाइस कट में कर लिया है, इसे भी तेल में डाल देंगे। अब प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक इसका मसाला को रेडी कर लेते हैं। एक कटोरी में आधा चम्मच के करीब हल्दी को निकाल लेंगे, 2 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच मीट मसाला का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर और आधा से थोड़ा कम काला मिर्च का पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी देके इसको मिला लेंगे। मसाले में बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से मिलाइएगा। और मेरा प्याज भी फ्राई हो गया है, अब इसमें मसाले को डाल देंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब मसाले को मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी को ऐड करके मिला लेंगे। अब ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और प्याज भी गल जाए। 10 मिनट हो गया है, देखिए प्याज भी गल गया है। अब इसमें फ्राई किया हुआ ओल को डाल देंगे। ओल डालने के बाद इसे भी 5 मिनट तक कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से ओल में मिल जाए। अब थोड़ा सा पानी को ऐड करेंगे, जितना ग्रेवी रखना हो उसके अनुसार। सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के ढक के छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गया है, पानी अच्छे से सूख गया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये सब्जी मसालेदार ही काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रेवी का बनाना हो तो इसमें पानी को ऐड कर सकते हैं,
बट मुझे मसालेदार सब्जी अच्छी लगती है। देखिए काफ़ी अच्छा बन गया है सब्जी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिलाएंगे और आधा चम्मच के करीब नींबू का रस को डालेंगे। नींबू का बिच्चा को पहले निकाल लेंगे, फिर रस को काढ़ेंगे। नींबू से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और कोई कोई ओल ऐसा होता है कि जिसे हम खाते हैं और वो मुंह में काटने लगता है, इसलिए नींबू को डाला जाता है। अब 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे और सब्जी बनके रेडी हो गया। चलिए इसका स्वाद आपको हम बताते हैं कैसा बना है। देखिए काफ़ी यम्मी लग रहा है, ये राइस के साथ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। हम खा के इसका आपको टेस्ट बताते हैं। ओल की सब्जी काफ़ी अच्छे से बन गई है, काफ़ी अच्छा कलर भी दिख रहा है। देखिए चटपटा पूरा लग रहा है। अब इसे हम तोड़ के दिखाते हैं। बिल्कुल ही ये सॉफ्ट गल गया है, ये पूरा ये आलू के टाइप लग रहा है। ओल को चावल के साथ मिला के दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे से ये टूट गया है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये। बिल्कुल ही आलू के टाइप ये गल गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और एक लाइक तो बनता है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।